स्टूडेंट आज हम लोग केस बेस्ड क्वालिटी के क्वेश्चन देखेंगे ये भी एम सी क्यू होएंगे इसमें एक्चुअली क्या होता है इसमें एक ही क्वेश्चन में सब क्वेश्चंस होते हैं एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस के ये न्यू रिवाइज सिलेबस के हिसाब से है तो हम लोग देखते हैं तो इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है द टू गियर्स शोज शोन इन द फिगर रिजेंबल टू सर्कल्स विथ टच ईच अदर एक्सटर्नली द सम ऑफ दियर एरिया इज वन थर्टी पाई स्क्वायर सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर्स इज फोर्टीन सेंटीमीटर तो इसको हम एक फिगर बना के हम रिप्रजेंट कर सकते हैं एक मान लिया ये सर्कल है एक सर्कल ये है इनके ये क्या हो गए सेंटर्स हो गए इनके सेंटर की बीच की डिस्टेंस जितना है ये दे रखा है फोर्टीन सेंटीमीटर और इसका एरिया एक का दे रखा है दूसरे का एरिया इनका सम दे रखा है इन एरियाज़ का सम क्या दे रखा है 130 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों का सम दे रखा है। ठीक है ये क्वेश्चन की पूरी निचोड़ है तो इसमें करना क्या है? पहला पार्ट इसमें क्या कहता है टेकिंग द रेडियस ऑफ वन सर्कल टू बी एक्स एक का रेडियस हमने एक्स एज्यूम कर लिया तो अगर एक्स कर लिया दोनों का सम क्या है 14 सेंटीमीटर एक अगर x है तो इसका क्या हो जाएगा 14 माइनस एक्स हो जाएगा एक का अगर x है तो दूसरे का क्या होगा पूरे में से माइनस कर देंगे 14 माइनस एक्स ठीक है इसका इक्वेशन हमें बताना है तो इनके एरियाज का सम क्या दे रखा है वन थर्टी तो इनके एरिया दोनों का निकाल लेते हैं तो सर्कल का एरिया क्या होता है अगर रेडियस आ रहा है पाईर स्क्वायर होता है तो यहाँ पे एक्स है तो इसका रेडियस है तो क्या हो जाएगा ये पाई एक्स स्क्वायर प्लस इसका रेडियस क्या है 14 x तो क्या हो जाएगा पाई 14 x होल स्क्वायर दोनों का सम क्या दे रखा है 130 पाई यही क्या है ये बन गया अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा पाई हमने क्या किया दोनों में से कॉमन देन x2 14 x होल स्क्वायर 130 ये हम इक्वेशन है तो इम्प्लाइज हम लगाएंगे इम्प्लाइज भी लिख सकते हैं और भी लिख सकते हैं पाई से पाई कैंसिल आउट नाउ सॉल्विंग दिस एक्स स्क्वायर प्लस एंड स्क्वायर ऑफ फोर्टीन स्क्वायर ऑफ फोर्टीन विल बी ए माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाइंग ए माइनस बी होल स्क्वायर दिस विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी नाउ अप्लाइंग दिस फार्मूला इन दिस 14 square plus x square minus 2 into 14 into x is equal to 130. Now adding same type means x square plus y square means 2x square. Square of 14 is 196 minus 14 to the 28x is equal to 130. Now Shifting 130 here, this दिस विल 2x square and minus एंड इसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते डिग्रीज को वन को. 196 एंड इसको क्या करेंगे minus 130 is equal to zero. Now ये क्या हो जाएगा 2x square minus 28x plus प्लस इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू 6 66 ये हो गई टू हम क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं तो क्या बन गई एक्स स्क्वायर माइनस फोर्टीन एक्स टू जो कॉमन लेते हैं इनको डिवाइड करके अंदर लिखते हैं ना इज इक्वल टू थर्टी थ्री इज इक्वल टू जीरो टू इधर जाके क्या हो जाएगा कोई भी वैल्यू बाई टू अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा टू यहाँ मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड तो ये तो जीरो हो जाएगा तो ये क्या बन गया इक्वेशन हमारा फोर्टीन स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर्टीन एक्स प्लस थर्टी थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो ये हमारा राइट right आंसर इसका क्या हो जाएगा ये हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर माइनस फोर्टीन एक्स प्लस थर्टी थ्री इज इक्वल टू जीरो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका क्या कहता है द रेडियाई ऑफ द टू सर्कल्स आर दोनों के रेडियाई बताना है मीन्स इसको अगर हम क्वालिटी के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक की radii, तो क्वालिटी की इक्वेशन क्या हमने निकाल लिया है एक्स स्क्वायर माइनस फोर्टीन एक्स प्लस थर्टी थ्री इज इक्वल टू जीरो इसका रेडियाई हमको फाइंड आउट करना है तो रेडियाई फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे इस क्वारिटी के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने का क्या तरीका है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं ए हमारा हो गया वन बी हमारी माइनस फोर्टीन एंड सी विल बी थर्टी थ्री अब क्या करते हैं हम ए सी को मल्टीप्लाई करते हैं ए इंटू सी वन इंटू थर्टी थ्री मीन थर्टी थ्री थर्टी टू थ्री के हम दो फैक्टर ऐसे करते हैं जिनको सम करना देखो अब यहां पे अगर प्लस का साइन है तो दोनों फैक्टर सेम साइन में ही होंगे सेम साइन मतलब दोनों प्लस प्लस होंगे या दोनों माइनस माइनस अब 33 के हम दो फैक्टर ऐसा बना लें जिनको ऐड करने पे हमको क्या मिल जाए 14 मिल जाए तो क्या बन सकता है एक तो वन इंटू इसको ऐड करेंगे क्या मिलेगा थर्टी ये नहीं हो सकता टू नहीं हो सकता थ्री थ्री इंटू अलेवन एलेवन और इनको ऐड करेंगे अलेवन प्लस को क्या हो जाएगा ये बन जाएगा हमारा एलेवन प्लस थ्री फोर्टीन तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर्टीन को हम क्या लिख सकते हैं एलेवन प्लस थ्री और एक्स रहेगा ही रहेगा इसके प्लेस पे हम लिख रहे हैं फोर्टीन के प्लेस पे. ये जो दोनों फैक्टर हैं इनके फॉर्म में और प्लस थर्टी थ्री को हम एस सच लिख देंगे ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है अब क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो एलेवन एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस थर्टी थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो अब ये हम क्या करेंगे एक एक पेयर ले लेंगे इसमें कॉमन क्या है एक्स एक्स माइनस इलेवन इसमें प्लस का साइन है तो इसका साइन बदलने के लिए हमको माइनस बाहर लेना पड़ेगा थ्री कॉमन ले लिया माइनस थ्री ये क्या आ जाएगी बोलो एक्स माइनस एलेवन जीरो अब ये क्या हो जाएगा एक बारी x माइनस एलेवन इज इक्वल टू ज़ीरो कर देंगे और एक बारी x माइनस थ्री इज टू ज़ीरो कर देंगे अब x माइनस एलेवन इज इक्वल टू जीरो एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो ये कर लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा इससे आ जाएगी वैल्यू एक्स इज इक्वल टू एलेवन इससे आ जाएगी एक्स इज इक्वल टू थ्री तो एक की रेडियस अगर क्या है दोनों का सम कितना है फोर्टीन है तो एक की रेडियस अगर आप एलेवन एज्यूम करते हो तो दूसरे की रेडियस क्या हो जाएगी फोर्टीन माइनस एलेवन थ्री हो जाएगी यानी जो आंसर आएगा थ्री और एलेवन थ्री और एलेवन क्या होंगे इसके रेडियस होंगे तो इसका जो राइट right आंसर हो जाएगा इन दोनों में थ्री और एलेवन ए हो जाएगा इसका राइट right आंसर तो इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं या तरीका और क्या है इसके लिए आप ये भी कर सकते हैं जो वैल्यूज़ दी हुई हैं इसको आप इसमें पुट कर दें थ्री पुट करने पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो मिल जाएगी और एलेवन पुट करने पे भी इसकी वैल्यू जीरो मिल जाएगी तो हम कहेंगे थ्री और एलेवन इसके सोल्यूशन यानी दोनों इसके रेडियस होंगे अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द रूट्स ऑफ द क्वाडिटिक इक्वेशन ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी इज इक्वल टू जीरो ये बताना है कि इसके रूट्स क्या होंगे रियल होंगे इक्वल होंगे रियल डिस्टिंक्ट होंगे क्या होंगे तो रूट्स के लिए हम क्या करते हैं फार्मूला डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं इनका नेचर कर अगर पता करना हो तो इसमें देखिए पहला टर्म जो है अब यहाँ पे ए और भी स्मॉल लेटर में दिए हैं तो हम इसको कैपिटल ले ले रहे हैं ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर है तो फर्स्ट टर्म क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट ये हो गया सेकेंड टर्म क्या होता है एक्स का कोफिशेंट बी स्क्वायर माइनस ए सी एंड थर्ड क्या हो जाएगा सी ये हो जाएगा माइनस बी सी अब हम लोग डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है लिख लेते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ये हम फाइंड आउट कर लेंगे इस इक्वेशन से तो इस इक्वेशन से हम पहले निकाल लेते हैं तो बी स्क्वायर के प्लेस पे क्या आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा ये है बी पूरी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस फोर इन टू ए क्या है हमारा ए बी सी क्या है माइनस बी सी इज इक्वल टू इसको सॉल्व करते हैं अब क्या हो जाएगा ए माइनस बी ये पूरा देखें तो ये ये फार्मूला होता है ना एक्स माइनस वन का वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है फोर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस टू ए हमारा है पहला टर्म और सेकेंड टर्म ए सी ये होगी वैल्यू और इसके बाद ये वाली वैल्यू भी लिख देंगे माइनस फोर फोर ए ये माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो गया ये प्लस फोर ए और बी दो बार है ना तो बी स्क्वायर सी ये हमारा ये पार्ट हो जाएगा अब इसको और हम देख लेते हैं ये क्या हो जाएगी वैल्यू बी टू दी पावर फोर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर यहां पे प्लस है और ये माइनस है और देखिए टर्म सेम ही है ठीक है तो ये मिलके क्या हो जाएंगे दोनों माइनस हो जाएंगे तो ये पॉजिटिव का साइन प्लस टू ए को पहले लिख लें ए बी सी में लेटर पहले आता है ना ए इस तरीके से हमने अरेंज कर दिया अब इसको हम ध्यान से देखिए आप लोग इसमें बी स्क्वायर को बी फोर को क्या लिख सकते हैं बी स्क्वायर पे स्क्वायर और यहाँ पे ये यह हो गया बी स्क्वायर पे स्क्वायर उसके बाद इसको अगर लिखना चाहें तो ये हो गया बी स्क्वायर पे स्क्वायर प्लस ये हो गया ए सी होल स्क्वायर प्लस टू ए के जगह पे बी स्क्वायर पहले लिख लिया और ए सी को बाद में लिख लिया ये हो गया वैल्यू ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला बड़ा वाला जो ये होता है अब इसमें पहला टर्म क्या है बी स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म क्या है ए सी इसका क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर बन गया अब ये होल स्क्वायर बन गया तो कभी भी कोई भी वैल्यू होल स्क्वायर जो होती है वो क्या आती है पॉजिटिव आती है हमेशा क्या होती है पॉजिटिव होता है अगर इसकी वैल्यू जीरो आ जाती है तो इसके रूट क्या होती है रियल एंड इक्वल होते है. लेकिन यहाँ पे ये पॉजिटिव तो आ रही है रियल तो आ रहा है तो इक्वल नहीं आएगा तो क्या आएगा इक्वल नहीं आएगा तो क्या होगा डिस्टिंक्ट होगा तो इसके रूट क्या होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट तो ये इसका आंसर हो जाएगा अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखा है उसको लिख लेते हैं ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री ए बी एक्स प्लस टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो इसके हमें क्या निकालना है रूट्स निकालने हैं तो इसमें पहला टर्म क्या हो जाएगा ए स्क्वायर दूसरा टर्म क्या हो जाएगा माइनस थ्री ए बी लास्ट टर्म क्या हो जाएगा टू बी स्क्वायर तो इसमें क्या करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर करेंगे तो इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो ए स्क्वायर इंटू टू बी स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अब इनके दो ऐसे फैक्टर करते हैं जिनका जिनकी वैल्यू क्या आ जाए थ्री ए बी आ जाए तो यानी हम इसको लिख सकते हैं टू ए बी इन टू ए बी क्योंकि यहाँ पे डिग्री क्या आ रही है वन वन आ रही है तो इसको वन वन डिग्री के फॉर्म में हमने ब्रेक कर दिया यहाँ पर कुछ नहीं है तो वन है अब इसको आप देख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं टू ए बी प्लस ए बी वन ए बी कह लें या ए बी कह लें ये मिल क्या हो जाएगा थ्री ए बी हमने इसको ब्रेक कर दिया किस फॉर्म में दो फैक्टर के फॉर्म में टू ए बी इन टू ए बी और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा टू ए स्क्वायर भी स्क्वायर हमने ब्रेक कर दिया अब इसको क्या करेंगे इस फॉर्म में यहां पे इस तरीके से इसको लिख देंगे तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टू ए बी एक्स माइनस ए बी एक्स प्लस टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो प्रैक्टिस आप लोग इसको करते रहें ये एक पेयर हो गया एक पेयर ये हो गया इन दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं ध्यान से देखिए ए कॉमन है और एक्स भी कॉमन है यहाँ ए एक ए चला गया तो ए एक्स बच गया माइनस यहाँ पे क्या बचा टू बी बचा ये हो गई वैल्यू इस केस में क्या होगा यहाँ प्लस का साइन है तो माइनस बाहर लेना पड़ेगा और इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं दोनों में बी है तो बी अगर माइनस बी कॉमन ले लिया तो एक क्या बचेगा एक्स और एक माइनस यहाँ पे क्या बचेगा टू बी सेम यही जो आएगी वैल्यू इधर भी आएगी टू ज़ीरो हम क्या करेंगे एक साथ इनको कॉमन ले लिया तो क्या कॉमन हो जाएगा ए एक्स माइनस टू बी और इसमें क्या हो जाएगा एक्स माइनस बी इज इक्वल टू ज़ीरो अब ध्यान से देखिए एक बार ए एक्स माइनस टू बी इज इक्वल टू ज़ीरो ले लेंगे तो इसको ट्रांसफर करते हैं ए एक्स इज इक्वल टू टू बी देर फोर एक्स इज इक्वल टू टू बी अपॉन ए ये एक्स की एक वैल्यू आ गई इसमें अब ये वाला ले लेते हैं एक्स माइनस बी इज इक्वल टू जीरो ए एक्स इज इक्वल टू बी देर फोर एक्स इज इक्वल टू बी बाई ए तो इसमें क्या हो गया यह इसके आंसर आ गया, टू बी बाई ए एंड बी बाई ए टू बी बाई बी एंड बी बाई ए तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा हमारा तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है x x माइनस फोर प्लस पी इज इक्वल टू जीरो हैज रियल एंड डिस्टिंग रूट तो रियल और डिस्टिंक्ट के लिए क्या करेंगे डी इज ग्रेटर देन जीरो यानी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो अब इसको मल्टीप्लाई करके पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में पूरा लिख लेते हैं इसको ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस पी इज इक्वल टू ज़ीरो ये हो गया ए हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म हो जाएगा वन है बी क्या हो जाएगा माइनस फोर सी क्या हो जाएगा पी ये हो गई वैल्यू अब इसमें यहाँ पे पुट कर देते हैं बी स्क्वायर यानी माइनस फोर स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी के जगह पे पी ग्रेटर देन ज़ीरो माइनस फोर स्क्वायर यानी सिक्सटीन माइनस फोर पी ग्रेटर देन जीरो पी को शिफ्ट कर दिया उधर है सिक्सटीन ग्रेटर देन फोर पी यानी हम इसको लिख सकते हैं फोर से डिवाइड कर देंगे तो यानी फोर ग्रेटर देन पी इसको ऐसे लिख सकते हैं पी लेस देन फोर ये हमारा इसमें राइट right आंसर हो जाएगा पी लेस देन फोर तो इसका राइट right आंसर इसमें पी लेस देन फोर जो दिया है यानी ए दिया है इसका राइट right आंसर हो जाएगा अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं कैस बेस्ट क्वेश्चन अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द स्पीड ऑफ मोटर बोट इज ट्वेंटी किलोमीटर मोटरबोट की स्पीड कितना दे रखा है स्पीड जो गिवेन है उसको पहले हम लिख लेते हैं क्या है 20 किलोमीटर पर आवर और क्या दे रखा है फार कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर डिस्टेंस क्या दे रखा है 15 किलोमीटर द बोट टुक वन आवर मोर देन अप स्टीम अप स्टीन और डाउन स्टीम का कंसेप्ट आप देखिए स्ट्रीम क्या होता है जब बोट और स्ट्रीम या ये कह सकते हैं इसको करंट दोनों क्या हो अपोजिट डायरेक्शन में हो तो बोट क्या होगा बोट की स्पीड हमेशा ज्यादा होगी तभी आगे बढ़ेगा बोट तो इसमें हम क्या करते हैं अप स्ट्रीम में बोट की स्पीड माइनस स्टीम स्ट्रीम या करंट की स्पीड दोनों को माइनस करते हैं तो उतनी स्पीड से बोट आगे बढ़ता है तो अप स्ट्रीम में दोनों को माइनस करते हैं डाउन स्ट्रीम में क्या होता है दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं इसलिए क्या होता है ये ऐड हो जाता है इसमें माइनस होता है तो ये कंसेप्ट है तो अब क्या कह रहा है इसमें इसमें जो है ये जब क्या होगा इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा तो कितना घंटा लग रहा है एक घंटे का टाइम जो है इसमें ज्यादा लग रहा है क्योंकि इसके अपोजिट में इसको चलना पड़ रहा है तो ये होता है हमारा अप स्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम कितने घंटे एक घंटे लग रहा है अब क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको ध्यान से देखिए लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी स्ट्रीम का स्पीड क्या है एक्स है स्ट्रीम की स्पीड है एक्स किलोमीटर पर आवर और बोट की स्पीड दे रखा है ये स्टील वाटर में होती है ट्वेंटी किलोमीटर पर आवर अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा स्पीड अप स्ट्रीम ये क्या हो जाएगा बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड यानी ट्वेंटी माइनस एक्स ये हो गया डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा दोनों ऐड हो जाएंगे ट्वेंटी प्लस एक्स तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में अब कह रहा है स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन अप स्ट्रीम अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा ट्वेंटी माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर ये इसका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्या कह रहा है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम तो क्या होता है रिलेशन रिलेशन होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम ये रिलेशन होता है अब हम लोग नेक्स्ट इसका क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है विच इज द करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर द स्पीड ऑफ द करेंट स्पीड ऑफ द करेंट इसका क्वालिटी इक्वेशन कौन सा करेक्ट होगा ये हम देखते हैं अब ध्यान से देखने वाली बात है कि अपीम में जो टाइम लग रहा है अप स्टीम का टाइम वो ज्यादा है तो और माइनस डाउन स्टीम का टाइम इसका डिफरेंस क्या है वन ये एक ज्यादा है तो ये है एक घंटे का टाइम ज़्यादा लग रहा है डिस्टेंस तो यहाँ इस स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस डिस्टेंस कितना है फिफ्टीन अपॉन और टाइम निकालना है इसमें तो टाइम के लिए स्पीड तो स्पीड क्या हो जाएगी ये हो गया ट्वेंटी माइनस एक्स ये हो गई ये ज़्यादा है ना ये अप स्ट्रीम की स्पीड को माइनस करेंगे डाउन स्ट्रीम की स्पीड से ये क्या हो जाएगा फिफ्टीन अपॉन ट्वेंटी प्लस एक्स इज इक्वल टू वन इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है तो ज़्यादा में से माइनस किया वन का डिफरेंस आ गया अब ध्यान से देखिए इसको हमको सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे दोनों का एलसीएम ले लिया ट्वेंटी माइनस एक्स और ट्वेंटी प्लस एक्स एल्सियम हो गया इसमें क्या करते हैं ये वाली वैल्यू को हटा के जो होगा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा फिफ्टीन ट्वेंटी प्लस एक्स माइनस फिफ्टीन ट्वेंटी माइनस एक्स इज इक्वल टू वन ये हो गया इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 300 हंड्रेड प्लस फिफ्टीन एक्स माइनस थ्री हंड्रेड माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 15x एक्स इज इक्वल टू ये क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ये इधर चला जाएगा तो 20 माइनस एक्स ट्वेंटी प्लस एक्स ये हो जाएगा अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं ध्यान से देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे 15 15 कितने हो जाएंगे 30x एक्स इज इक्वल टू अब इसमें क्या करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई कर यानी ये बन गया क्या फार्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 20 ट्वेंटी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये बन गया इसको सबको इधर लेके आ जाएंगे ये फार्मूला आपने देखा है ना ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इनको सब इधर शिफ्ट कर देते हैं तो ये आ गया एक्स स्क्वायर पहले उसके बाद उससे कम डिग्री उसके बाद फोर हंड्रेड हो जाएगा ट्वेंटी का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गई वैल्यू तो इसमें जो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन बन गया ये बन गया हमारा तो इसका ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर प्लस थर्टी एक्स माइनस फोर हंड्रेड इज इक्वल टू जीरो सी हो जाएगा इसका आंसर अब कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वाट इज द स्पीड ऑफ करेंट स्पीड आप बोर्ड ट्वेंटी दे रखा है स्पीड आप करेंट आपको निकालना है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने अभी फाइंड आउट किया था एक्स स्क्वायर प्लस थर्टी एक्स माइनस फोर हंड्रेड इज इक्वल टू ज़ीरो अब फोर हंड्रेड के दो फैक्टर बनाएंगे जिनका सम क्या आना चाहिए ये आप ध्यान से देखिए माइनस है ना साइन तो इसका एक फैक्टर प्लस होगा और एक फैक्टर माइनस होगा ये नेगेटिव साइन ये शो करता है अब ये 400 के दो फैक्टर बना लेते हैं क्या क्या बन सकता है दो फैक्टर एक तो 10 एक टू तो 40 ये बन के क्या हो जाएगा फो, फोर अब इसको दोनों को क्या करना है या माइनस का साइन है तो एक प्लस और एक माइनस रखना है तो 40 को प्लस रखना है कि 40 10 को प्लस रखना है ये कैसे पता चलेगा प्लस का साइन है यानी फोर्टी को प्लस रखना है दोनों को माइनस करने पर प्लस का साइन आना चाहिए और माइनस ये कितनी हो जाएगी वैल्यू इसकी आ जाएगी वैल्यू थर्टी इसको रखते हैं यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर्टी एक्स माइनस टेन एक्स माइनस फोर हंड्रेड इज इक्वल टू ज़ीरो हो गई वैल्यू ये हो गई x कॉमन ले लिया x प्लस फोर्टी आ गई यहाँ पे माइनस टेन कॉमन ले लेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस फोर्टी ही आएगा इज इक्वल टू जीरो अब दोनों में से ये कॉमन ले लिया तो x प्लस फोर्टी एंड से ये हो जाएगा x माइनस टेन एक बारी x प्लस फोर्टी को आप ज़ीरो के इक्वल करके x की वैल्यू माइनस फोर्टी नेगेटिव तो होगी नहीं ये रॉन्ग हो गया एक्स माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो एक्स की वैल्यू आ गई टेन तो एक्स हो गया टेन किलोमीटर पर आवर ये क्या निकला है जो हम अभी देख रहे थे स्पीड ऑफ करंट टेन किलोमीटर पर आवर ये स्पीड ऑफ द करंट निकल गई ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या कह रहा है इसमें हाउ मच टाइम बोट टुक इन डाउन स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में बोट कितना टाइम लेगा ये निकालना हमको अब देखिए डाउन स्ट्रीम डाउन स्टीम में स्पीड कितनी हो जाएगी इसकी क्या होता है प्लस हो जाता है तो दोनों का स्पीड को हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे तो इसकी स्पीड कितनी थी बोट की स्पीड कितनी थी बोट की स्पीड हमारी थी थर्टी थी ठीक है बोट की स्पीड हमारी थर्टी निकली इसमें गिवन था और इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी सॉरी ट्वेंटी थी ट्वेंटी थी और प्लस इसकी हमने निकाला है एक्स क्या निकाला है हमने एक्स हमने निकाला है स्पीड ऑफ करेंट करेंट की स्पीड कितनी टेन निकली है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कितनी हो जाएगी वैल्यू थर्टी किलोमीटर पर आवर अब हमें टाइम क्या हो जाएगा तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस कितना दे रखा है फिफ्टीन और अपॉन में डिस्टेंस अपॉन स्पीड थर्टी इसको सॉल्व कर देंगे फिफ्टीन वन जा फिफ्टीन टू जा ये क्या हो जाएगा इसको आवर है आवर को हम किस में चेंज कर देंगे मिनट में तो सिक्सटी से मल्टीप्लाई ये आ जाएगा थर्टी तो इसका राइट right आंसर क्या हो जाएगा थर्टी मिनट तो इसका राइट right आंसर आ गया थर्टी मिनट मीन्स सी हो जाएगा तो इतना आज के लिए है थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें